दक्षिणी दिल्ली के भाजपा उम्मीदवार श्री रामवीर सिंह भदौड़ी जी बदरपुर विधानसभा जहाँ के वो मौजूदा विधायक हैं उसके वार्ड 184 जयपुर कटरा कॉलोनी में साहिल गार्डन में एक भारी भीड़ के साथ आयोजन हुआ। एक सवाल पूछना चाहेंगे, अभी ओजोन के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? ओजोन जाने का फैसला डीडीए ने कर लिया है, आदेश की कॉपी मैंने दी है। अब ये एरिया रेजिडेंशियल एरिया डीडी के द्वारा घोषित कर दिया गया है और ऑर्डर की कॉपी मैंने साहब को दे दी है। इस एरिया में सिवर लाइन हमने मंजूर करवा दी है, सिवर लाइन जल्दी डाली जाएगी, पीएनजी गैस लाइन आएगी। उस्ता रोड को हम तीन गुना ज़्यादा चौड़ा कर रहे हैं, हमने पीरियड डालने के लिए 82 लाख रुपया दे दिए हैं, सरकार को जमा करा दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाई हुई है, तो उस कमेटी से भी उस्ता रोड पर 136 पेड़ के डालने की हमने परमिशन मांगी है। जैसे ही परमिशन मिलेगी हम उस्ता रोड को तीन गुना कर रहे हैं वह काम भी हमारा जल्दी पूरा हो जाएगा। और उस्ता रोड के साथ जो खाली जमीन रह गई है उस जमीन को भी हम डेवलप करेंगे, जिससे कि जो हमारे लोग बाइक पर चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, पैदल चलते हैं, तो उस पक्की सड़क का वेट उसका फायदा दे सके। और उस्ता रोड पर हमारे जो चाहे हैवी ट्रैफिक है, चाहे ट्रक है, चाहे गाड़ी है, वो अच्छे से गुजर सके। और जैसे ही पुस्ता रोड हमारा अभी बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर हम जयपुर पार्किंग के लिए डीटीसी की बस भी ले आएंगे, तो लोगों को भी बहुत आसानी हो जाएगी, डीटीसी की बस मिल जाएगी। जयपुर पार्किंग में हमने सभी स्कूलों को बनाया है, बरसाती पानी की निकासी के लिए, घरेलू पानी की निकासी के लिए हमने नाले और नाली बनाए, स्कूल भी खोला, शौचालय भी हमने खोला, उससे हमारे बच्चे अच्छे से तालीम ले रहे हैं। तो जो कुछ मैं देखते पार्किंग के लिए कर सकूँ मैंने किया, इस समय मैंने यह भी देखा है जब यहाँ नाव चल जाती है। हमने ड्रेनेज सिस्टम को भी ठीक किया है, हमने सड़कें भी बना दी है, हमने एरिया को इलेक्ट्रीफाइड भी किया है, हमने ट्यूबवेल भी लगाए हैं, हमने स्कूल भी बनाया है, इतना सारी सड़कों को पक्का भी किया है। और हमने जयपुर पार्क में दो पार्क भी डेवलप किए हैं, आज हमारे हजारों बच्चे वहाँ क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं, मेला लगा रहता है। और अभी हम लोग इस एरिया में सिल्वर लाइन भी डालेंगे और पीएनजी की जो गैस की कनेक्शन है घर घर पहुँच सके, वो भी हमने मंजूरी करवा दी है। और अगले 4-5 महीने के अंदर अंदर हम पुस्ता रोड को, अभी उसको चौड़ा तो कर ही दिया है लेकिन उसको पूरी तरह से डेंस कारपेट कर देंगे। और जो आगे हमने उत्तर प्रदेश सरकार से परमिशन लेकर जो सड़क बनाई है उसकी चौड़ाई बहुत कम है, उसको भी हम डबल करेंगे, जिससे कि हमारे एरिया की खूबसूरती और बढ़ जाएगी और लोगों को आने जाने में आसानी हो जाएगी। तो मेरा 1 पॉइंट प्रोग्राम है डेवलपमेंट, आप भाईचारा और लोग सुकून से रहें, ये करवाने से दुआ करते हैं। सर कल चुनाव प्रचार का आखिरी चरण का लास्ट डे है, आप अपनी साउथ दिल्ली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? प्रचंड गर्मी है, वो घर से बाहर निकलने वोट कर रहे हैं, सभी से प्रार्थना की है कि आप विधुड़ी को डेवलपमेंट के लिए वोट दें। ठीक है सर, धन्यवाद। और बाकी आप लोगों से ले लीजिए, पूछ लीजिए। नफीस भाई, कॉलोनी के जाने माने समाज सेवक भाई नफीस कुरैशी जी, जो लगातार कॉलोनी के विकास के लिए, कॉलोनी के सामाजिक लोकल मुद्दों पर बात करते रहे, अपनी बातों को मुखर तरीके से कहते रहे, आज कोशिश करेंगे नफीस भाई से जानने की कि क्या कुछ इस मीटिंग में हुआ और क्या आगे होने वाला है। देखिए मैं तो बार बार सच्चाई बोलता रहता हूँ, काश हमारे लोग, कॉलोनी के लोग इस बात को समझ लें कि रामवीर भदौड़ी को वोट देना अपने आप को वोट देना है। विकास अगर देखना चाहते हो तो कारण की मैं कह रहा हूँ, देखो दूसरी पार्टी कहीं से कहीं तक नहीं जीत रही है। आज मैं बता दूं आपको, पूरी लोकसभा में और साउथ दिल्ली लोकसभा में आप कहीं पर चले जाइए, कोई निशान झाड़ू से कोई मुकाबला कहीं नहीं है। हमारे लोग होश में आए,
विकास को वोट करें, रामवीर सिंह भदौड़ी को वोट करें, कमल के फूल पर निशान लगाएं। इनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, भाईचारे का मामला है। इन्होंने इस कॉलोनी को बसाया है, रामवीर भदौड़ी का खून पसीना इस पर लगा है। हमेशा ये भाईचारा रखते हैं, मुस्लिम हिंदू समुदाय में दोनों में जाते हैं। जब जब बुलाया तोड़ फोड़ हुई तो इन्होंने रुकवाई, या सैलाब आया तो ये इन्होंने जो है डी आर एम सी भेजी और यहाँ ये खड़े खड़े रहे। झगड़ा हुआ तो इन्होंने वो रुकवाया, डीसीपी को फोन किया, तो हमेशा गलियाँ बनी तो रामवीर भदौड़ी ने बनवाई। आपका ये मुस्लिम बहुल इलाके कहलाता है, लगभग 29,000 वोट मुसलमानों के, क्या कन्वर्ट हो पाएगी भाजपा के पक्ष में? देखिए, यहाँ वोट भाजपा को तो एक बार शिकायत हो सकती है मुस्लिमों को, लेकिन रामवीर भदौड़ी से कोई शिकायत नहीं है। रामवीर भदौड़ी के चेहरे पे भाजपा को वोट हो रही है और यहाँ से 50% वोट रामवीर भदौड़ी को जाएगी। तो नफीस भाई ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, वो यही कहना चाह रहे हैं कि वो भाजपा को नहीं बल्कि वोट विकास पुरुष को, वोट काम को दें और उनके चेहरे पर वोट करें। और कॉलोनी की जो है आवाम को ये अपील करना चाह रहे हैं नफीस भाई, बार बार कहना चाह रहे हैं कि पिछले 4.5 साल में और 4 बार के विधायक रहे श्री रामवीर सिंह भदौड़ी जी को, जो भाजपा ने अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया, तो कॉलोनी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे भाई नफीस, एक बार उनसे और बात करना चाहेंगे? आप कल चुनाव का 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे कॉलोनी की आवाम से? भाई यहाँ सब लोग जिम्मेदार लोग हैं, यहाँ कोई आवाम नहीं, यहाँ जिम्मेदार लोग हैं। आप पूछो, हमारे साहब हैं, आप पूछो क्या है, शाहिद भाई है, जरा आप पूछो। आपका नाम? आप कॉलोनी के हैं? कॉलोनी। तो चौधरी साहब, आप कॉलोनी के विकास को किस तरह देखते हैं, ये बताएंगे कुछ उसके बारे में? विकास हमारे लिए ये भी नहीं जी, हम 10-15 साल से यहाँ हैं, हमारा जो विकास हुआ जी वो रामवीर भदौड़ी जी ने किया है और हमारे हर बुरे वक्त में साथ खड़े हुए हैं, इसलिए हम उसको उनकी भी ना ये नहीं देख रहे हैं किस पार्टी में है, हम उनकी अच्छाई को और उनके विकास की वोट कर रहे हैं। उनके काम के आधार पर वोट की बात कर रहे हैं यहाँ पर चौधरी साहब, कि उनके काम के आधार पर हम वोट कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनके काम के आधार पर उन्हें वोट करें। आप इस कॉलोनी के रहने वाले हैं, वार्ड 184 से? जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सीएम बाबू और मैं यहाँ पे 15 साल से रह रहा हूँ। और जो भदौड़ी जी हैं, यहाँ से विधायक भी 2 बार रह चुके हैं और इन्होंने इनका चेहरा को देखते हुए हम लोग इन्होंने इतना विकास नोट किया जाए, ये चेहरे के ऊपर बात कर रहे हैं वो बीजेपी की नहीं बल्कि चेहरे के ऊपर विकास पुरुष के तौर पर हम पार्टी को नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं भदौड़ी जी को। बोलो चल, दिख रहा है तुम्हें? हाँ बताइए। हम भदौड़ी जी को चेहरे को देख रहे हैं, हम पार्टी को नहीं देख रहे हैं। यहाँ से यानी पूरे दिल्ली से जो 7 लोकसभा सीट है वो उसमें कोई भी पार्टी जीते हमको मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ से भदौड़ी जी को जीतना जरूरी है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस कॉलोनी के लिए। एक विधायक रहते हुए इन्होंने इतना अच्छा काम किया, तो ये जब सांसद होंगे तो कितना अच्छा काम करेंगे। इस वजह से हमारे कॉलोनी के या हमारे दक्षिणी दिल्ली के जितने भी लोग हैं वो सारे उनको एकदम भरपूर होकर और पूरे दिल और जान से उनको वोट करेंगे 25 तारीख को। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जीतेंगे भी और एकदम 100% जीतेंगे और इसके बाद भी ये बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर ये सांसद बन गए तो और अच्छा काम कर गए, और ये अभी तक सांसद नहीं बने हैं तो इन्होंने रोड का काम शुरू कर दिया, रोड बनवा दिया और भी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, पार्क को बनवाया और अच्छे विकास किए, इसलिए इनको हम लोग को अच्छे से और इनको उम्मीद लगा। आप क्यों उम्मीद लगाते हैं कि इधर से देखते हैं? ये हमारे लिए जो है कि हम भदौड़ी को फोन ये कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं हम, ना के बीजेपी को कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कभी अगर ये इत्तेफाकन गलती एक बार हो गई थी जो यहाँ से मायावती की सीट टूट थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम इनके पास गए, इन्होंने हमारा काम किया, इनके पास हमें इनसे ही उम्मीद है, हम और किसी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं। आप और लोगों से भाई जाकिर यहाँ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जाकिर भाई पहलवान, पिछले 4.5 साल में यहाँ पर भाजपा की जो है विधायक रहे श्री रामवीर सिंह भदौड़ी जी, तो आप क्या मानते हैं पिछले 4.5 सालों में आपकी कॉलोनी में काम हुआ है, भदौड़ी जी ने काम किया है? कोई 3 काम बताएंगे इनके द्वारा किए गए? हमेशा भदौड़ी हर चीज को
काम करते आगे भी काम आज में जो रोड या नाली जो बनी हुई है इन्हीं की बदौलत बनी है इन्हीं के तो कॉलोनी के विकास के लिए किए गए उनके कुछ कार्य को आप बता सकते हैं चौड़ा कर दिया और दो पार्क बनाए हैं पार्क बना दिए बहुत सारे काम कर रहे हैं आप युवा हैं और दक्षिण दिल्ली के युवाओं को क्या अपील करना चाहेंगे आप जी वोट श्री राम सिंह रामवीर सिंह भदौड़ी जी को वोट दें देश के युवाओं को और अपनी साउथ दिल्ली की जो दक्षिण दिल्ली के लोकसभा प्रत्याशी श्री रामवीर सिंह भदौड़ी जी को वोट करें वोट क्यों करें उनको क्या आपको लगता है क्या खूबी उनमें वोट क्यों करें क्या खूबी नजर आती है आपको विकास पुरुष है अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।